हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्लाइंग विंग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नया डिश। जी हाँ, हमने देख लिया राइट। तो इसके लिए आपको लेना है 3 अंडे। जी हाँ, 3 अंडे लेना है दोस्तों। ज़्यादा मत लीजिएगा, घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी ले सकते हो। नमक डाल लेना है इसमें स्वाद अनुसार, जितना कुछ चाहिए। और उसके बाद इसमें विनेगर एसेंस लिया हमने, और ज़्यादा मत डालिएगा, हमने थोड़ा सा अधिक डाल दिया। हमारे स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं 1 या 2 बूंद बस फ्लेवर के लिए। इसके बाद आपको चीनी लेना है 3 चम्मच। जी हाँ, 3 चम्मच। ज़्यादा मीठा मत बनाइए इस डिश को, मीठा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिला लेना और ग्लास में डाल लेना है दोस्तों। जी हाँ, अच्छे से मिला लीजिएगा। और उसके बाद आपको लेना है दूध, जितना आपका अंडा है उतना ही आपको दूध लेना है। जी हाँ, उसे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद दोनों को एक कंटेनर में डालिए और दोनों को मिला लीजिएगा। जी हाँ, आपको ज़्यादा दूध नहीं लेना है दोस्तों, जितना अंडा है उतना ही दूध लेना है। और अच्छे से दोनों को मिला लीजिएगा, धीरे 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 मिला लीजिएगा। ऐसे आराम से अपना समय लीजिए और उसके बाद मिलाने के बाद इसे छान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अगर जो अनवांटेड चीज़ें हैं तो बाहर निकल जाएंगे छानने के बाद। और हमें ये नहीं चाहिए जो अनवांटेड चीज़ें हैं इसे हम फेंक देंगे, और जो चाहिए हमें वो मिल चुका है, बर्तन में आ चुका है। उसके बाद गैस को ऑन कीजिए, पानी मिठाइए और एक बर्तन में से डाल लीजिए पैन में, और उसके बाद ढक दीजिए इसे। और 25 मिनट के बाद, जी हाँ 25 से 30 मिनट के बाद इस डिश को खोलना है आपको, और देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, दोबारा बता देते हैं आपको, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसे आप बड़े आसानी से 25 से 30 मिनट में आराम से बना ले सकते हो। और उसके बाद क्या है, इन्जॉय कीजिएगा डिश को, और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ, और हमने इसे ट्राई किया, मज़ा आया। अभी ट्राई कीजिए अपने परिवार के साथ, और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये डिश आपके सेहत के लिए, क्योंकि आपने अपने घर पर बनाया है। तो इंतज़ार किस बात का दोस्तों, बना के खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।